दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर 1,00,000 का इनाम रखा है। एक पहलवान की हत्या के मामले में सुशील कुमार आरोपी हैं। वो इस मामले में नाम आने के बाद से ही फरार चल रहे हैं। नाम सुशील कुमार, पहचान ओलंपिक पदक विजेता, आरोप मर्डर, ठिकाना फरार, इनाम 1,00,000 रुपए। कल तक पहलवान सुशील कुमार मीडिया के कैमरों पर तस्वीरें खिंचवाते थे। सुशील कुमार के मेडल्स के पोस्टर गली गली में लगते थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार सुशील कुमार के फरारी के पोस्टर छपते हैं, जिस पर 1,00,000 रुपए इनाम का ऐलान दर्ज है। सही सुना आपने, दिल्ली पुलिस पूछ रही है, क्या आपने विश्व विख्यात पहलवान सुशील कुमार को कहीं देखा? अगर देखा है तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। दिल्ली पुलिस को इसी चेहरे, इसी पहलवान की सरगर्मी से तलाश है। पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। दरअसल सागर राणा के कत्ल के आरोपी सुशील कुमार अब दिल्ली पुलिस की क्राइम फाइल में मोस्ट वांटेड है। इसे यूं जानिए कि सुशील कुमार के सिर पर अब 1,00,000 रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने रखा है। जो कोई सुशील कुमार का सुराग दिल्ली पुलिस को देगा, उसे 1,00,000 रुपए इनाम मिलेगा। इस केस में पुलिस ने सुशील कुमार के पीए अजय के सिर पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा है। दो दिन पहले पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और पुलिस ने इनाम रख दिया। आपको बता दें कि 5 मई को छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या कर दी गई थी। कमरे में कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि हत्या में सुशील कुमार शामिल थे, तभी से वो फरार चल रहे हैं। सुशील कुमार और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन सुशील कुमार का कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली पुलिस कई राज्यों में सुशील कुमार की तलाश में घूम रही है। कुछ दिन पहले सुशील कुमार के हरिद्वार या ऋषिकेश में छिपे होने की खबरें आईं, लेकिन पुख्ता डिटेल नहीं मिली। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने फरार चल रहे सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए 1,00,000 का इनाम रख दिया, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अब देखना है क्या सुशील कुमार जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। दिखते रहिए आज तक।